पीएम डैडी है और सीएम उनका बेटा है, यार ये क्या दे? हम सर उठाकर जी सकते हैं, हमारी एक आइडेंटिटी है, हमें अब पता है कि हमने पाकिस्तान के लिए कैसे फाइट करने हैं। चोर नानी, हम तुम्हारे किसी किस्म के हरबे में आने वाले नहीं है। अपने बाऊजी को वापस बुलाओ, उसे को आके एवन फील्ड के तमाम फ्लैटों का हिसाब दे। लंदन से पैक होके आएंगे डब्बे में, बाऊजी वैसे कभी नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेजबान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, वाकई इमरान खान कोई जादू है, कोई नशा है जो लोगों को लग चुका है। पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से खान साहब की मोहब्बत में इस रैली में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और तरह तरह के उन्होंने प्ले कार्ड उठाए हुए हैं। आइए पूरी फैमिली से पूछते हैं कि खान साहब के लिए इतनी मोहब्बत क्यों है। सबसे पहले यहाँ से शुरू करूँगा मैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, आप पहले ये बताएं आपने लिखवाया क्या हुआ है? हमने लिखवाया हुआ है जो कि एक हकीकत है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। सो ये आप देख सकते हैं, ये एक सीएम है, ये एक पीएम है जो कि एक इम्पोर्टेड हुकूमत के हिस्से हैं। नाज़रीन देख ले, पीएम डैडी है और सीएम उनका बेटा है, यार ये क्या दे? अच्छा मेरी बहन आप बताएं आपने क्या लिखा हुआ है? कि अगर हम बॉट हैं तो फिर वी आर नाइदर बॉट नॉर वी कैन बी बॉट। लाइक ना हम खरीदे जा सकते हैं ना हम रोबोट्स हैं। जो लास्ट टाइम ट्विटर पे बात हो रही थी कि इतने ज़्यादा जो आवाम गैदर कर लेते हैं वो सारे रोबोटिक ट्वीट्स हैं, वी आर नॉट रोबोट्स। आप देख सकते हैं पूरी स्ट्रेंथ। मैम आपको लगता है कि खान ने आपको खुददार बना दिया है, ये खुददारी जगा दी है? हम सर उठाकर जी सकते हैं, हमारी एक आइडेंटिटी है, हमें अब पता है कि हमने पाकिस्तान के लिए कैसे फाइट करने हैं और हम सब यहाँ हैं। मेरी मोस्ट ऑफ माय फैमिली इज आल्सो हियर और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको मैं जानती हूँ जो नहीं आया। खान साहब में क्या चीज़ आपको पसंद है? लीडर तो बहुत अच्छे हैं वो। उनकी ऑनेस्टी हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, देर आर सम इशूज विद हिम जो कि प्रॉबेबली हम समझते हैं, जो सब लोग बात करते हैं कि थोड़े से उन्होंने पुरानी वो पार्टीज में से लोग इकट्ठे किए हुए थे। आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम ही नीड्स टू वर्क ऑन दीज थिंग्स नाउ और वी रियली वांट टू सी हिम एज अ पीएम अगेन और हमारी हफाइट भी उसी लिए। नाज़रीन आप एक चीज़ देखें, इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म हुई है, पीडीएम की आई है, उन्होंने लाइटें भी लगा ली, उनको यकीन नहीं है कि हमें लाइट चली जाएगी। आइए इनसे पूछिए। मोर एक्टिवेटेड है। अच्छा मैम आप ये बताएं कि खान साहब ने कहा कि वो 2/3 की रेशो से दोबारा मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर, आपको ये जज्बा ये जुनून देख के लग रहा है कि खान साहब दोबारा बनेंगे? वो बिल्कुल 2/3 की उससे बनेंगे, उनके पास बिल्कुल सारी पावर्स हैं, उनके अंदर एबिलिटी है कि उनको 2/3 ऑफ इक्वालिटी में वोट्स मिले और वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने। वी रियली वांट टू अप्रिशिएट द मैनेजमेंट। यहाँ पर अंदर एंटर होने का बहुत जबरदस्त। तो गाड़ी में बैठी हुई थी, चलाओ तो मेरे भाई रहते, उनसे पूछ लेते उनको मिली या नहीं मिली। चला रही थी मैं, खुद चला के आई हूँ। बाहर यस बहुत बड़ी, अब मैं क्या कहूँ, कंटेनर लगे हुए, इन्होंने लोगों को ब्लॉक किया हुआ है, बट हमारे जैसे पहुँचने वाले पहुँच जाएंगे। हमें गाड़ी पार्क करके चिंची पे भी आना पड़ता तो हमारे। आपका मतलब है यहाँ पे जो लोग इस टाइम जलसे में मौजूद हैं वो प्योर खान के इश्क में आए हैं? ये जो खरीदी हुई हुकूमत है इसने भरपूर कोशिश की कि हम यहाँ पे ना पहुँच सकें, इन्होंने हमें बॉट के साथ तशबीह दी। हाँ हम बॉट हैं, हम खान के बॉट्स हैं, हम खान को 2/3 मेजॉरिटी जितवाएंगे और उसको पूरी हुकूमत में दोबारा लेकर आएंगे। चोर नानी, हम तुम्हारे किसी किस्म के हरबे में आने वाले नहीं हैं। अपने बाऊजी को वापस बुलाओ, उसे को आके एवन फील्ड के तमाम फ्लैटों का हिसाब दे। खान के असासे सारे खुले हुए हैं। बाऊजी लंदन से आएंगे, पाकिस्तान बचाएंगे। बाऊजी लंदन से कभी नहीं आएंगे, बाऊजी की काम पे टांग रही है। मैडम लंदन से पैक होके आएंगे डब्बे में, बाऊजी वैसे कभी नहीं आएंगे। मैडम एक आखिरी पैगाम आप खान साहब कुछ देना चाहेंगे? खान साहब के लिए जी गुड लक एंड बी आर विद हिम, इंशाल्लाह ही विल डेफिनेटली विन एंड ना उन्होंने घबराने और ना हम घबराए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।